आप देख रहे हैं SMS न्यूज और आपके साथ मैं हूं अंजलि जैन। इस वक्त की बड़ी खबर, महाशिवरात्रि पर्व आते ही सतपुड़ा के जंगल में गूंजने लगे हर हर महादेव। चौड़ागढ़, बुरा भगत, प्रथम पायली और नंदीगढ़ जैसे दुर्गम स्थानों में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। नंदीगढ़ क्योंकि एक ऊंचे पहाड़ और घने जंगलों से गुजर कर जाना पड़ता है, यह मार्ग दुर्गम व खतरों से भरा हुआ है, फिर भी भक्तगण आस्था के चलते यहां सभी बाधाओं को पार करते हुए पहुंचते हैं। ये करने के बाद ही अपन चौरागढ़ का दर्शन करने का, और चौरागढ़ तभी चौरागढ़ का दर्शन क्लियर हो जाता है, पावन हो जाता है, सफल हो जाता है। ऐसे हमारे दादा परदादा बोल रहे थे, इसलिए हम नंदीगढ़ का दर्शन पहले करते, इसके बाद हम अभी चौरागढ़ जा रहे हैं। जटाशंकर घूमेंगे, सारा दर्शन करेंगे, सारे तीर्थ तो बार बार होते हैं ना, गंगा सागर बार बार होते हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर प्रथम पायली चौड़ागढ़ के साथ नंदीगढ़ का भी बड़ा महत्व माना जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए जंगल से गुजरते हुए ऊंचे पहाड़ों को लांग कर पहुँचना पड़ता है। यहाँ पहुँचने के लिए पहाड़ों की कनात का सहारा लेना पड़ता है। कहीं कहीं शासन ने सीढ़ी का इंतजाम भी किया है, फिर भी इस स्थान पर पहुंचने के लिए कई बाधाएं को पार। इस पर महाशिवरात्रि का पर्व प्रारंभ होते ही अधिकतर यहाँ डिस्ट्रिक्ट के भक्त लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने। सर्वप्रथम कठिनाइयों को पार करते हुए नंदीगढ़ यहाँ पहुँचते हैं। जानकारी में वहाँ बताया जाता है कि सर्वप्रथम चौड़ागढ़ जाने के पहले नंदीगढ़ आकर पूजा अर्चना की जाती है, इसके बाद भक्तगढ़ चौड़ागढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से मन्नत पूरी होती है। आने वाले भक्तों का कहना है कि हमें चौड़ागढ़ जाने के पहले नंदीगढ़ जाना जरूरी है। नंदीगढ़ की पूजा अर्चना कर चौड़ागढ़ के दर्शन करने से ही हमारी मनोकामना सफल होती है। नंदीगढ़ पहुंचने का महत्व ये है कि पहले भोले भगवान के दर्शन से पहले नंदी भगवान के दर्शन करना चाहिए, और उसके बाद में भोले भगवान के दर्शन करना चाहिए, जब भी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। और ये परम्परा सदियों से हरा हरा।